जिला रामपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में चल रहे ग्लोबल अस्पताल पर अनियमितताओं और लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रशासन ने छापा मारकर किया सीज। सिविल लाइन क्षेत्र में कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर चल रहे ग्लोबल अस्पताल पर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर सीज कर दिया। हालांकि पहले भी कई बार अनियमितताएं और अनाधिकृत तौर पर चलने की शिकायतों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करता रहा है और सील किया जा चुका है। वहीं कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार का कहना है कि अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों पर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का उल्लंघन और आरडीए से नक्शा अप्रूव्ड न होने के कारण एवं अनाधिकृत तौर पर चलने को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर अग्रिम आदेश तक इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सर, लॉकडाउन के पीरियड में ये हॉस्पिटल क्यों सील किया गया? ये ग्लोबल हॉस्पिटल, ये इसमें कुछ अनियमितताएं चल रही थी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और भी चीजें जो लॉकडाउन का है उसका उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा ये अनाधिकृत रूप से भी चल रहा था, आरडीए का नक्शा अप्रूव नहीं था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश से, जो कि आरडीए के डीसी भी है, महोदय के आदेश से आज इसे सील कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक ये सील रहेगा, यहाँ कोई भी क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं होगी।